हम सब ने पिछले वीडियो में गेहूं के बीज के उपचार के बारे में सीखा था। आप सबको याद तो है ना? तो आज हम सब सीखेंगे कि श्री विधि से गेहूं लगाने के लिए खेत की तैयारी एवं बीज की रोपाई कैसे की जाती है। साथ ही हम सीखेंगे कि खेत तैयारी के समय खाद का प्रयोग कैसे करना है। क्या भाभी क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? अरे हमें भी तो बोले थे कि सिखाएंगे श्री विधि से गेहूं लगाने के लिए, तो हमें भी सिखाइए। हाँ हाँ आओ आओ, अभी तो हम खेत के बस तैयारी ही कर रहे हैं। आओ अच्छा से हम लोग मिलकर और फिर दिखाएंगे कैसे करते हैं नहीं करते हैं। सो अरे जिस खेत में गेहूं लगाते हैं ना, उस खेत को 3 से 4 बार जुताई करते हैं ताकि वो मिट्टी भुरभुरा हो जाएगा। अंतिम जुताई के पहले हम लोग खेत में खाद डालते हैं, जैसे हो गया नेडेप खाद, हो गया गोबर, हो गया ट्राइकोडर्मा, हो गया घनजीवा अमृत, हो गया सारा चीज़ मिला के और फिर हम लोग खेत में डालते हैं और अच्छा से तैयार कर लेते हैं। उसका फिर तरीका है, देखो नाडेप या गोबर खाद जो रहता है उसमें घनजीवा अमृत को चूर चूर करके उसमें उसको मिलाते हैं और जो ट्राइकोडर्मा रहता है उसको भी मिला देते हैं। अगर उस खाद में अगर नमी नहीं है तो हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं, उसके बाद से फिर मिलाते हैं और जूट का बोरा रहता है उसको ढक देते हैं, उसमें नमी नहीं रहता है तो उसमें फिर पानी का छिड़काव करके ताकि उसमें ट्राइकोडर्मा पूरा फैल जाएगा। अंतिम जुताई से पहले हम लोग खाद को अच्छी तरह से डालते हैं, उसके बाद से फिर जुताई करते हैं, उसके बाद से फिर पाटा चला के और खेत को समतल कर देते हैं। श्री विधि से गेहूं के लिए खेत की तैयारी कैसे की जाती है? देखो अब तो हम तो खेत का तैयारी कर लिए हैं, पूरा जुताई उताई सब कर लिए, वो सब कंप्लीट हो गया है। अब भी और भी बाकी है, जैसे कि हमको क्यारी बनाना है, सब उस सब फिर तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद से बुआई करेंगे। क्यारी तो हम भी बनाते हैं, लेकिन क्या इसका अलग विधि है क्या? अरे नहीं नहीं वो बात नहीं है, केवल हमें सिंचाई के साधन देखते हुए हमको क्यारी बनाना है, ये तो हम 7 से 15 फीट तक भी बना सकते हैं। देखो जब हम श्री विधि का गेहूं लगाते हैं तो लाइन से लाइन लगाते हैं, इसका मतलब लाइन से लाइन और बीज से बीज की दूरी ये दोनों का 8 इंच ही रखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर गेहूं को बुआई करेंगे। अब तो हम मेरा तो बुआई हो गया, अब इसको हम
हल्का पाटा चला के फिर बीज को हम लोग ढक देंगे। श्री विधि से गेहूं की खेती बीज की बुवाई में किन बातों को ध्यान में रखना है? अच्छा भाभी, बीज का उपचार और बीज का बुआई तो समझ लिए, और भी कोई चीज के ध्यान देना है क्या? अरे क्यों चिंता कर रही हो, चलो और बात बताना है, चलो घर में बैठ के फिर अच्छा से बात बताते हैं। समझौता नहीं करने वाली बातें। पहली, खेत की 2 से 3 गहरी जुताई करें। दूसरी, अंतिम जुताई से पहले खेत में ट्राइकोडर्मा मिश्रित खाद का प्रयोग करें। तीसरी, खेत को अच्छे से समतल कर सिंचाई की सुविधा के अनुसार क्यारियां बनाएं। और चौथी, लाइन से लाइन एवं बीज से बीज की दूरी 8 इंच रखें। देखिए, सब दीदी दादा ने मिलकर खेत को कितने सुंदर तरीके से तैयार किया, विधि पूर्वक खाद का भी प्रयोग किया एवं फिर नियम का पालन करते हुए लाइन से बीज की रोपाई भी की। आशा करती हूँ कि आप सब भी इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम गेहूं के श्री विधि से खेती में खार पतवार नियंत्रण एवं सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानेंगे।